नमस्कार। कहते हैं कि मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री की सोच अब सुरखी विधानसभा क्षेत्र में सीधी सीधी दिखाई दी है, जहां मंत्री ने रोजगार मेला का आयोजन किया था जैसी नगर में, लेकिन बात एक अजीब टाइप की सामने आई है, जहां बालिकाओं ने और छात्राओं ने बताया कि मंत्री जी की देन है, जहां हमें रोजगार मिला है, जहां हम रोजगार की तलाश करते थे, लेकिन मंत्री जी ने आज बच्चों के बीच में ऐसे बच्चे ने प्रतिभा दिखाई है जो सामने दिखाई दिए हैं, जहां जनता जनार्दन भी आश्चर्यचकित रह गई है, जहां मंत्री की सोच एक बार सकारात्मक सामने आई है, जहां बेटियों के लिए रोजगार मिला है और ग्रामीण क्षेत्रों की सुरखी विधानसभा क्षेत्र की बेटियां जो हैं आज दूसरे राज्यों में काम कर रही हैं और अलग अलग कंपनियों में अपना जज्बा दिखा रही हैं। ऐसा यह मामला आया है रोजगार मेला जैसी नगर में, जहां बच्चों की प्रतिभा सामने आई है, जहां बच्चों ने टैलेंट दिखाए हैं, बाहर जाके जो है दूसरे राज्यों में नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। लेकिन मंत्री की सोच भी काफ़ी अच्छी है कि अगर बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा और रोजगार मिलना चाहिए, यह सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें। आज जैसी नगर का रोजगार मेला आज देखने योग्य था, जहां एक से एक प्रतिभा जो बाहर काम कर रही है, दूसरे राज्यों में काम कर रही है, आज उनका परिवार सुकून में है, जहां मंत्री गोविंद राजपूत के लिए यह जो छात्र छात्राएं हैं उनका शुक्रिया अदा भी कर रही हैं, और साथ में मंत्री की यह महत्वपूर्ण सोच एक बार सुरखी विधानसभा क्षेत्र में निखर के सामने आई है, जिनका सम्मान हो रहा है, यह सब मंत्री की देन है जिन्होंने इनको रोजगार पर लगाया है। एक बार फिर 21 कंपनियां आई हैं जैसी नगर में और छात्र छात्राओं को, युवाओं को जो रोजगार की तलाश है उनका रोजगार मिल सके। फिर मंत्री ने राहतगढ़ के बाद जैसी नगर में रोजगार मेले का आयोजन किया है। हम आपको बता दें कहीं ना कहीं मंत्री की महत्वपूर्ण सोच एक बार फिर सुरखी विधानसभा क्षेत्र के जैसी नगर में आई है सामने। तुम तक न्यूज की विशेष रिपोर्ट। हाँ बोले। मेरा नाम प्रतीक्षा दांगी है, मेरे पिताजी का नाम जगह सिंह दांगी है। मुझे माननीय मंत्री जी के द्वारा ये अथक प्रयास से पता चला था कि सागर में DDU के वाई से एक ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग लेके जॉब पर भेजा जाता है, तो मैं उधर पे ज्वाइन हुई एंड मैंने उधर से जाके मैंने जॉब की और उससे मेरी सैलरी अभी 16 से 17 हज़ार है, जो कि माननीय मंत्री जी की अथक प्रयासों से ही ये संभव हो सका है और आज मैं इस लायक बन सकती हूँ। सर ने मुझे खुद ही ट्रॉफी देकर मुझे प्रोत्साहन दिया है और मैं अपने आप पर बहुत गर्व महसूस करती हूँ, इसलिए माननीय मंत्री जी का दिल से धन्यवाद। माननीय गोविंद सिंह मंत्री जी ने हम लोग को इधर बुलाया और सम्मान किया। हमने DDU के बाय कोर से एक ट्रेनिंग ली, जिसके दौरान 6 महीने का वो हुआ, ट्रेनिंग हुई, जिसके कारण हम बाहर गए हैदराबाद, वहाँ पर जॉब की और वहाँ से हमें सैलरी 15,000 मिलती थी और वहाँ से हम लोग बहुत कुछ एक्सपीरियंस लेकर आए और बहुत कुछ सीखे। माननीय गोविंद सिंह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी हमारे नौजवान साथियों, हमारी माताओं बहनों, बहुत दिन से हमारा ये सपना था कि क्षेत्र में निर्माण कार्य तो बहुत अधिक आपके आशीर्वाद से हम करवा रहे हैं, हर जगह बड़े बड़े काम चल रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल भी हमने खुलवाना शुरू कर दिए हैं। हमारा सोचना था कि हमारे नौजवान साथियों के लिए कोई ऐसा शिविर लगाएं, बाहर की कंपनियां बुलाएं कि वो कंपनियां स्वयं हमारे यहाँ के बच्चों का टैलेंट, उनकी क्षमता को देखें और उसके साथ उन्हें रोजगार के लिए वो कंपनियां बुलाएं। बहुत क्षमताएं हैं हमारे यहाँ के युवाओं में, हमारे यहाँ के छात्रों में बहुत ही टैलेंट है। आपको बहुत सारे हमारे लोगों ने हमारे बच्चों को सुना। ये शिविर तो हम इसलिए लगवा रहे हैं कि
इसके माध्यम से बहुत सारी कंपनियां आए और उन कंपनियों में आप जुड़कर अपना रोजगार तलाशे। लेकिन आपने सुना बहुत सी ऐसी ट्रेनिंग हम कई दिनों से विधानसभा क्षेत्र में चलवा रहे हैं, आईटीआई के माध्यम से हो, एडीडीयूवाई के माध्यम से हो, स्वरोजगार के द्वारा हो, हमारी महिलाओं के समूह के द्वारा हो, कई सारे रोजगार जो शुरू किए हैं हमने। कई लोगों को पता भी नहीं होगा, आप कल्पना नहीं की होगी जो लोग यहां बैठे हैं कई लोग, कि इतनी छोटे छोटे बच्चे बच्चियां हैदराबाद में और दुनिया भर में आज नौकरी कर रहे हैं और सुर्खी का नाम रोशन कर रहे हैं। इनको 1000 व्यक्ति हमारा बाहर काम कर रहा है। अकेले सूरत में हमारे सियोरा और सियोरा के आसपास के 1000 बच्चे सियोरा के हैं आसपास के, जो हीरे ही कटिंग कर रहे हैं, हीरे ही कटिंग, इतनी महीन और इतनी सुंदर कटिंग उन्होंने की